संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। तो सरस्वती अवार्ड से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और ये पता नहीं था कि इसका स्थापना कब हुई थी या फिर 2021 का जो अवार्ड है किसे मिला है, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सरस्वती अवार्ड से पूछा गया है, तो सरस्वती जो अवार्ड है 1991 में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले हरवंश राय बच्चन को दिया गया था, और अभी 2021 का जो सरस्वती अवार्ड है वह राम मिश्रा को मिला है। वहीं तराइन का फर्स्ट युद्ध पूछा गया है, तो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका जो तराइन का युद्ध हुआ था 1991 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में हुआ था। आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध था वह 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। लेकिन सेकंड जब उन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 ईस्वी में, उन्होंने वह युद्ध जीत लिया था। और विंटर ओलंपिक कब हुए थे इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो विंटर ओलंपिक 2022 जो पे हुए हैं वह चाइना में हुए हैं। और वहीं समर ओलंपिक की बात की जाए तो अभी आपके जापान के टोक्यो में हुए थे, और 2024 समर ओलंपिक की बात की जाए तो आपके फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले हैं। वुमेन डे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो डे से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी डे हैं आप उनको एक बार देख जाएं। और ये कंफर्म है कि आने वाली शिफ्ट में आपका 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। वहीं पर्यावरण दिवस है, और ये इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं, मानवाधिकार दिवस है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बनेंगे आगे आने वाली शिफ्ट में। और कांसा की मिश्र धातु पूछी गई है, तो मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक ही। तो इसमें आपके तीन एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका जिंक और आपका कॉपर और साथ में लेड, ये तीनों का मिक्सर होता है, और इन तीनों को मिलाकर कांसा मिश्र धातु का निर्माण होता है। जब आपका केवल जिंक और कॉपर होता है तो केवल पीतल धातु बनती है मिश्र धातु। और पेन की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा रही है, फुल फॉर्म को एक बार अवश्य देख जाए। परमानेंट अकाउंट नंबर पेन की फुल फॉर्म होती है, और कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपकी फुल फॉर्म बनती ही है, तो उनको भी एक बार देख जाएं। और मैं जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है आपके, उनसे संबंधित आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। लॉन्गेस्ट बोन पूछी गई थी, तो सबसे आपकी जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वह फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और इसरो से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वह सोमनाथ सिंह हैं। और आपका ओजोन लेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ओजोन जो लेयर है वह समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, O3 होता है। ये जब सूर्य की जो परावैगनी किरणें होती है उनसे क्रिया करके, जो आपको पता होगा सूर्य की परावैगनी किरणों को यह पृथ्वी पर आने से रोकती है, लेकिन जो आपके जितने भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हैं लगातार इनका छेद करते जा रहे हैं, आपका क्लोरो फ्लोरो कार्बन का निर्माण करते जा रहे हैं, इस तरीके से आपकी जो ओजोन लेयर है लगातार उसका छेद होता जा रहा है। और इसका मुख्य काम होता है सूर्य की परावैगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकना, जो कि परावैगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं, कैंसर जैसी जो कि बड़ी बीमारी होती है उनको यह डेवलप करती हैं। स्पेलिंग पूछी गई थी आपकी डेस्परेट्स जो मिस वर्ड है, तो डेस्परेट आप यहाँ से स्पेलिंग देख जाएं, DESPERETE। प्रेपोजिशन पूछा गया है, एनोइड के साथ किस प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ, तो प्रेपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसिव वॉइस पूछा गया है, और वहीं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं वन वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। और एरर्स की बात करें तो नो सूनर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। डिफर का आपको यहाँ पर नाउन पूछा गया था, तो डिफर का जो नाउन होता है डिफरेंश होता है। और कमेंटी का यहाँ पर आपको सही शब्द बताना था, तो कमेंटी की आप यहाँ से स्पेलिंग देख जाएं। और नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे, जो नेक्स्ट चाहे 25 हो, 26 हो, 27 हो, 28, 29, 30, इसमें आए जो भी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली रिपीट होगी कमेटी की आपकी जो स्पेलिंग है, किसी भी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। तो नेक्स्ट शिफ्ट जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन इसी तरीके से। और मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से आप इजीली पहुँच सकते हैं, रीच कर सकते हैं। और
फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए वह थ्योरी बेस पर जो फर्स्ट चैप्टर से में कम क्वेश्चन पूछे गए, आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे गए। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि करीब 40 मिनट की वीडियो थी, उसमें मैंने बहुत सारी न्यूमेरिकल कराए थे, तो उन्हीं से संबंधित आपके 3 से 4 न्यूमेरिकल वहीं से जो फॉर्मूला बेस है वहाँ से क्वेश्चन बन गए हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो रॉकेट जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना है। तो रॉकेट आपके संवेग संरक्षण पर डिपेंड करती है, और वहीं मोमेंटम से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और संघट से संबंधित पी इक्वल टू जो आपका एमवी होता है उसी फॉर्मूले पर डिपेंड आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एम आपका द्रव्यमान है, वहीं आपका वी वेलोसिटी है। आपकी यूनिट पूछी गई थी वर्क की, तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और एक इसका जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। तो यहाँ से एक और आपका यहाँ से यूनिट निकल कर आ जाएगा एफ एंड एस के परिपेक्ष में। एफ आपका यहाँ पर फोर्स है, वहीं एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। और फ्रैक्शन फोर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका 2 वैल्यू दी गई थी और एक तीसरी वैल्यू निकालने के लिए वहाँ पर बोला था। जो घर्षण कोण होता है उसका जो नियतांक होता है वो आपके लिए निकालने के लिए बोला था। तो सेम क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन बन रहे हैं न्यूमेरिकल्स देखा जाए तो, और 3 से 4 ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो कि थोड़े हार्ड जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो आपके न्यूमेरिकल्स थे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पर पूछे गए हैं। जो आपकी संधारित्र की धारिता होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका रिलेशन बताना था, या फिर इसके ऊपर आपका एक न्यूमेरिकल्स पूछा गया है। जो संधारित्र की धारिता होती है वो आपके जो संधारित्र की प्लेट होती हैं, एक इस तरीके से प्लेट है, एक इस तरीके से है, जो प्लस माइनस होती हैं, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उनके या व्युत्क्रम के बराबर होती है, वहीं इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके अनुक्रमानुपाती होती है जो संधारित्र की धारिता होती है। तो ये फॉर्मूला याद रखें, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यहाँ से एक फॉर्मूला देख सकें, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, अर्थात प्रत्येकांक आवेश को, और जब किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है उस पर जितना भी फोर्स प्रोड्यूस किया जाता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। इसमें कोई भी 2 वैल्यू दी जाएंगी आपके एग्जाम में, और तीसरी वैल्यू आपके लिए वहाँ पर निकालने के लिए बोलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका अपवाह वेग होता है, और जो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, वहीं ट्रांसफॉर्मर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, जो कि मैंने उसी वीडियो में करा दिया था आपको। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻³⁷ जूल के बराबर होता है। तो आपको किलो यहाँ पर के पूछा गया था, और या फिर एम पूछा गया होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शायद मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा गया था। और जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जाए तो 1.6 × 10⁻¹⁹, और यदि आपके मेगा पूछा जाए तो यहाँ पर आप 1.6 × 10⁻³ लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपके एग्जाम में डिपेंड करेगा किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वही मैथ की बात करें तो मैथ में आपका क्वेश्चन भी ठीक ठाक बन रहे हैं, और डिफरेंशियल से संबंध आपका समाकलन है, अवकलन है, और ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट है, और आपके सारणी के अवयव हैं। वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक बार इन क्वेश्चनों को देख लें, और यहाँ से देखें y² = 4ax, इसका एरिया आपको यहाँ पर निकालना था जो कि x के परिप्रेक्ष्य में दिया गया था a से 4a। साइन इनवर्स x dx का आपको यहाँ पर समाकलन निकालना था, और एक क्रॉस बी आप मापांक दिया गया था इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी, इसका मापांक एक दूसरे के इक्वल है, तो इसके मध्य कोण पूछा गया था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसके जो मध्य कोण आता है वो π/4 या फिर 45 एंगल आता है, क्योंकि यह जो दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वह a × b sin θ होता है, वहीं जो दो सदिशों के अदिश होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वह कोश थीटा के परिपेक्ष में निकाला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चन है, 1 + sin a + cos a / 1 + sin a - cos a। और एक और समाकलन से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समाकलन को एक बार अवश्य देख जाएं। समाकलन से आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो समाकलन को एक बार देख जाएं, और समाकलन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने, टेन इनवर्स एक्स का समाकलन पूछा गया है, साइन इनवर्स एक्स का समाकलन पूछा गया है, और वहीं जो प्रतलों में वन आयोटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, वन प्लस आई का आपको यहाँ पर प्रतिलोम बना बताना था, इसका इनवर्स आपको यहाँ पर देना था, तो जस्ट इसका आपको प्रतिलोम कर देना है, वन माइनस आई यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। और आव्यूह की बात करें तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए, ए की वैल्यू दी गई थी 1 2 3 4 और ए इनवर्स आपको एग्जाम में निकालना था, तो इस तरीके का आपका पैटर्न है। और वहीं जो मैथ वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो मैथ है, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो एलसीएम से संबंधित, एलसीएफ से संबंधित, व्यास से संबंधित, मिश्रण वाले क्वेश्चन पूछे गए, जो इतना 20 लीटर दूध में पानी मिला दिया उसके बाद इतना रेशियो आ जाता है, और उसके बाद यदि इतना बढ़ा देते हैं तो कितना रेशियो होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपके जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जीके में आपके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, और करेंट अफेयर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, सरस्वती अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और वहीं जो विंटर ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, और नेक्स्ट इंटे जो आपके नेक्स्ट डे होंगे और जो शिफ्ट होंगी उनमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्योर निश्चित है कि ओलंपिक से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे 2020 का ओलंपिक पूछेगा, और या फिर 2020 में तो नहीं हो पाए थे लेकिन वह 2020 के नाम से ही चल रहे हैं, 2021 में हुए थे, और जितने भी इम्पोर्टेंट खिलाड़ी थे, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे लवलीना हो, और जितने भी के हमारे यहाँ से प्लेयर गए थे, भारत ने कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके नेक्स्ट बैच में बनेंगे, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ेगा तो उसमें ये तरीके से आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, और वही आपके इसी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो वन वर्ड पूछा जा रहा है आपका लगातार एग्ज़ाम में, ऑटोक्रेट से संबंधित आपका वन वर्ड पूछा गया है, वहीं सिनोनिम्स आपकी हारमोनी की पूछी गई थी, सेकंड जो आपकी शिफ्ट थी आज 24 जुलाई की, वहीं लेदार्जी की भी सिनोनिम्स पूछा गया था, वहीं एक फ्रेज पूछा गया है, तो फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें फ्रेज नहीं पूछा गया था, जो सेकंड आपकी शिफ्ट है उसमें फ्रेज पूछा गया है, हो सकता है आपका जो टेस्ट हो तो आपकी शिफ्ट में भी फ्रेज पूछ लिया जाए, तो जितने भी फ्रेज हैं इंपॉर्टेंट्स एक बार उनको अवश्य देख जाएं, क्योंकि फ्रेज से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ईडियम्स एंड फ्रेज होते हैं। फिर इन ट्रेवल्ड वाटर, इससे संबंधित आपका फ्रेज पूछा गया है, और वहीं पैसिव एंड एक्टिव वॉइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, एरर से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, एरर से आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं, नो सूनर या फिर नो सूनर के साथ किसका प्रयोग हुआ, हार्डली, स्कार्सली, ईच अदर, वन अदर, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है, और आगे भी आपके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं जीके की बात की जाए तो जीके का पैटर्न बहुत ही नॉर्मल है, और 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके जो करंट अफेयर है उससे ही बन रहे हैं, और करंट अफेयर में एक क्वेश्चन फिक्स है टोक्यो ओलंपिक से, तो टोक्यो ओलंपिक को एक बार अवश्य देख जाएं, और मैं हो सकता है कि आज वीडियो अपलोड कर दूंगा टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और टोक्यो जो वेन्यू था वह 2021 व जापान की जो राजधानी है टोक्यो में हुए थे, और 2020 में नहीं हो पाए थे कोविड-19 की वजह से, 2021 में हुए थे, और इसमें कुल मिलाकर भारत ने 7 टोटल मेडल जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, और 2 सिल्वर मेडल हैं, वहीं आपके 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, तो कुल मिलाकर 7 पदक हैं, तो इससे संबंधित आगे शिफ्टों में ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत ने कितने मेडल जीते और किस कैटेगरी में कितने मेडल जीते, और टोटल भी पूछा जाएगा, और अलग अलग जो भी आपके एथलीट हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा का प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो जस्टिन इस समय आपके कनाडा के प्रेसिडेंट्स हैं, तो प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप अमेरिका हुआ, और वहीं सेना के पीएम, जापान का पीएम, ये अभी हाल फिलहाल में बदल चुके हैं, और श्रीलंका से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट अफेयर्स से संबंधित, और
कनाडा की जो कैपिटल है वह ओटावा पड़ती है। ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्रिक्स की इस बार जो समिट हुई है वह चाइना में हुई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट समिट होगी अर्थात 2023 में जो समिट होगी वह आपकी साउथ अफ्रीका में होगी। वहीं जो इसके ब्रिक्स में देखा जाए तो जो देश है आपके बी से ब्राज़ील है, आर से आपका रसिया है, वहीं आई से इंडिया है, और सी से चाइना है, और ए से आपका साउथ अफ्रीका है। तो कुल मिलाकर 5 कंट्री हैं ब्रिक्स के अंतर्गत, और वन बाई वन एक देश के बाद दूसरे देश में इसकी समिट होती है। जिस तरीके से ये एक अल्फाबेटिक सीरीज में उसी तरीके से आपके ये समिट होती है। पिछली बार इंडिया में हुई थी 2022, 2021 में, 2022 में आपकी अभी चाइना में हुई है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट जो समिट होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी। वहीं भारत में किस प्रकार की संसदीय प्रणाली है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है किस प्रकार की प्रणाली है, तो भारत में संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से ली गई है, तो ये भी ध्यान रखें। और टोटल नेशनल पार्क पूछे गए इंडिया में, कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। और सबसे जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वह आपके असम में पड़ता है, जो कि रायमोना हिल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखते हैं। और मैथ में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 28 -34 +59 -1/4, तो ये आपका एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया था जिसको आपको सरल करना था। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा रहा है, एक जिसमें आपका एसपी एंड सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दिया गया होता है, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना पड़ता है। वहीं ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 -sin थीटा -sin² थीटा अपॉन 1 -cos थीटा। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर 1 -sin² थीटा में तोड़ लेंगे, और यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, और 1 -sin थीटा से 1 -sin थीटा कट जाएगा। जो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसमें 1 -sin थीटा बचेगा, वहीं जो सेकंड होगा उसमें 1 +cos थीटा बचेगा। तो इसमें एक से एक कट जाएगा, तो इसका जो फाइनली आंसर है sin θ - cos θ आ जाएगा इसी तरीके से। वहीं मिक्सर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लीटर से सम इसमें दे देगा। जो आपका मिक्सर है 5 लीटर दूध है, जिसमें 3:2 में पानी मिलाया गया है, उसके पश्चात क्या अनुपात होगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, भिन्न आपकी पूछी जा रही है लगातार। ये तो है आपका जो रागा का सिलेबस है। वहीं फिजिक्स की बात करें, जो टेक्निकल ग्रुप है ग्रुप एक्स, जिसमें आपके इस बार जो पैटर्न है थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। पिछली बार क्या होता था, आपके ज़्यादातर थर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार आपके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो पूछे गए हैं, जिसमें आपका ग्रेविटी से संबंधित न्यूमेरिकल पूछा गया है। आप फॉर्मूला याद रखें जो न्यूटन ने दिया था, F=gm1 × m2/r². तो ये आप फॉर्मूला याद रखें, इसी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन फोर से फिर से पूछा गया है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में भी आपका फ्रैक्शन फोर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका घर्षण नियतांक निकालने के लिए बोल रहा था। तो आप फॉर्मूला याद रखें, F=जो होता है μr होता है, जिसमें आपका फोर्स दिया गया था और r की वैल्यू दी गई थी, आपको यहाँ पर म्यू निकालना था, घर्षण नियतांक आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड से, और सेकंड शिफ्ट में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। करंट जो धारा है, वैद्युत धारा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनका रिलेशन आपको याद रखना है, जो ओम का नियम होता है R/V/I, इससे संबंधित आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी दी गई थी, रेजिस्टेंस दिया गया था, और आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना था अर्थात आपको विभव निकालना था। मोशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, सेमी कंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वहीं मैथ में बात करें, आपका जो टेक्निकल ग्रुप है अर्थात आपका एक्स ग्रुप है, जिसमें आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, लिमिट, ट्रिग्नोमेट्रिक, मैट्रिक्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये आपका एक मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई होती है, कुछ भी दिया गया होता है, और ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। वहीं आयोटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपका 1+i फॉर्म में होता है, उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
वही प्रोबेबिलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो आपका सिलेबस है। इस तरीके से लगातार जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर आपके नेक्स्ट जो डे हैं 25, 26, 27, 28 और 29, 30 जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा सेम इसी पैटर्न पर होगा। जो 24 जुलाई की लास्ट शिफ्ट थी, जो थर्ड शिफ्ट थी, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके में, जीके के क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। और यदि किसी कैंडिडेट्स ने ठीक तरह से जीके पढ़ी है तो आप आराम से जितने भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप आराम से लगा सकते हो उन सब पर। और डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, जो के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। या कहाँ से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं, जो के आर्टिकल 36 से 51 में यह इनकी बात की गई है विस्तार रूप में, कि राज्य किस तरीके से कार्य करेंगे और किस तरीके से अपनी नीतियाँ बनाएंगे लोक नियोजन के लिए। तो ये सब कुछ आपका आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंतर्गत डीपीएसपी में दिया गया है। और जो कि भाग नंबर आपका 3 है, और भाग नंबर 2 में आपकी नागरिकता है, वहीं भाग नंबर 1 में आपका यूनियन है। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है बाणभट्ट से पूछा गया था, जो कि हर्षचरित जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी पुस्तक है उनको एक बार अवश्य देख जाएं। और नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन बन ही रहा है। पिछला जो सेकंड शिफ्ट था उसमें टोटल नेशनल पार्क पूछे गए थे, लेकिन आपकी जो लास्ट शिफ्ट थी 24 जुलाई की, उसमें आपका कान्हा नेशनल पार्क पूछा गया था, वह किस सिटी में स्थित है। तो आपका जो कान्हा नेशनल पार्क है वह स्टेट देगा, ये तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग, तो जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसका अनुपात पूछा गया है, लंबाई लेंथ एंड ब्रीथ का, लंबाई और चौड़ाई का, इसका जो अनुपात होता है वह 3:2 में होता है, जिसमें 3 कलर्स होते हैं। तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। भारत रत्न से एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और भारत रत्न की कब स्थापना हुई थी, तो 1954 में स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो भारत रत्न दिया गया था वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो आपको ये याद रखना है। और सबसे जो खिलाड़ी हैं, सबसे प्रथम खिलाड़ी किसको दिया गया है भारत रत्न, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और डे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो जितने भी इंपोर्टेंट डे हैं आप उनको एक बार अच्छे से देख जाएं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो 21 जून है, 21 जून को आपका योगा डे, और वहीं भाई 5 जून को पर्यावरण डे अर्थात एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। तो इन सभी डे को एक बार अच्छे से देख जाएं। और वहीं 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, और 4 नवंबर को आपका नेवी डे होता है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे, एंड 15 जनवरी को आपका आर्मी डे मनाया जाता है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। और इंग्लिश का सिलेबस देखा जाए तो इंग्लिश का सिलेबस सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका नाउन बनाना था एक्ट का, तो एक्ट का जो नाउन होता है एक्शन होता है। तो स्टीवर्न की आपकी इंटोनिम्स पूछा गया था, और टेंटिव का आपका सिनोनिम्स पूछा गया है। यूनिक के साथ किस आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो यूनिक के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ, तो वहां पर मोस्ट दिया गया था, एन दिया गया था, दा दिया गया था, तो यहाँ पर आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। हाइडली एंड स्कार्सली से संबंधित आपकी एरर्स बन रही हैं, ईच अदर, वन अदर, और नो सूनर और देन का इस बार अधिक प्रयोग देखने को मिला है। तो जितने भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन से संबंधित आपके एरर्स बन रहे हैं, तो कंजंक्शन को एक बार अवश्य देख जाए। भाई जो आपका मिस वर्ड होते हैं, जो मिसप्लिंट होती हैं, एरर्स जो दिए गए होते हैं, वह ग्रीवेंस का दिया गया था। तो ग्रीवेंस की स्पेलिंग देख जाए, GRIEVANCE। तो इमोर्टल का वन वर्ड पूछा गया था, जो नश्वर होता है और जो कभी नहीं मरे। और जो 8 नंबर है, यूज ऑफ सिंस एंड फोर, तो सिंस एंड फोर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थात आपके टेंसेस भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंस का कब प्रयोग होगा, फोर का प्रयोग कब किया जाएगा सेंटेंस के अंतर्गत, तो इनको एक बार अवश्य देख जाएं। और फिजिक्स में आपका थर्ड लॉ ऑफ केपलर के जो तीसरा नियम है उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो केपलर ने कुल मिलाकर 3 नियम दिए थे, जो प्रथम नियम था वह कक्षीय वेग का था, और वहीं जो सेकंड नियम था वह
क्षेत्रफल से संबंधित दिया गया था, और वही जो थर्ड नियम दिया गया था वो आवर्तकाल से संबंधित नियम दिया गया था। तो थर्ड जो नियम था, किसी भी ग्रह का सूर्य के प्रत्यय परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वह उसकी तृतीय अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस तरीके से इनमें एक रिलेशन होता है, और इसी से संबंधित आपका न्यूमेरिकल दिया गया था, जिसमें आपका आवर्तकाल आपको फाइंड आउट करना था, जबकि जो आपकी अक्ष थी वह दी गई थी। तो इसी तरीके से आपका पैटर्न राय और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से संबंधित एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है एन से इसे डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी अपॉन जिस भी मीडियम में आप निकालना चाहते हो। तो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, अपवर्तनांक इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, और जिस माध्यम में आपको प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है वो आपको अपॉन में लेना है। तो वन न्यूमेरिकल आपका वर्क से संबंधित पूछा गया है, तो वर्क का आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ अपॉन एफ इंटू एस। एफ आपका यहाँ पर फोर्स है, वहीं एस आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, और वहीं जो फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और उसमें आपका कार्य का मात्रक पूछा गया था। इम्पल्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जो इम्पल्स होता है, जो आवेग होता है, जे बराबर एफ टी। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, जो इम्पल्स और जो मोमेंटम होता है उसकी जो विमा एंड जो मात्रक होते हैं वह सेम होते हैं। तो विमा ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, एक मैराथन क्लास कराई थी जिसमें विमा एंड न्यूमेरिकल कराए थे, तो उस क्लास से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ से आ चुके हैं। विमा पूछी गई है 2 और 3 न्यूमेरिकल्स उसी से पूछे गए हैं। तो आप उस जो मैराथन मैंने आपके लिए यहाँ पर 1 2 घंटे की ली थी, आप उसको एक बार अवश्य देख लेना अपने एग्जाम से पहले, जो भी कोई कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। न्यूमेरिकल फोर्स से संबंधित आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो फोर्स इक्वल टू जो एफ वो इक्वल टू एम ए होता है, एम आपका यहाँ पर मॉस है, वहीं आपका ए एक्सीलरेशन है, और एफ आपका यहाँ पर फोर्स है। तो यहाँ पर 2 राशि दी गई थी, आपका बल दिया गया था, मॉस दिया गया था, एक्सीलरेशन आपको ज्ञात करना था। तो सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, और सिंपल से थोड़े हार्ड भी हैं और मॉडरेट भी हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार जो आपका फिजिक्स का लेवल है, जिसमें आपके थ्योरी कम पूछी जा रही है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित आपका एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, तो देख जाएं आप मैग्नेटिक फील्ड को भी। और एक क्वेश्चन आपका हेनरी जो प्रेरकत्व होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है और स्वप्रेरकत्व होता है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला याद रखें, जो मैंने जो मैराथन क्लास कराई थी उसमें भी यह क्वेश्चन कराया था, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। जब आपकी कोई कुंडली होती है उसमें जो ऊर्जा डेवलप होती है वह यू इक्वल टू यू आपकी एनर्जी है, हाफ एल एल आपका यहाँ पर प्रेरकत्व होगा, वहीं आपकी आई धारा होगी। तो इसी से संबंधित आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा गया था, जो मैं आपको पीडी जो मैराथन करा रहा था मैंने आपको वहाँ पर बोल दिया था कि मैं आपके लिए जो विमा करा रहा हूँ और साथ में जो भी फॉर्मूले बता रहा हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। और न्यूमेरिकल्स पूछा गया था, करीब 18 से 20 न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, वहीं 5 से 6 आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी तरीके से आपका पैटर्न है। और ग्रुप वाई की बात करें तो ग्रुप वाई का जो मैथ है, एसपी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्टिंग प्राइस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपका सेलिंग एंड कॉस्ट प्राइस दे दिया जाएगा, और जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना पड़ेगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहीं मिक्सर से संबंधित क्वेश्चन है, फ्रैक्शन रेशियो ए से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात करें, आपका जो ग्रुप एक्स है उसमें आपके ऑर्डर एंड डिग्री पूछी गई थी, इस तरीके से एक समाकलन समीकरण दिया गया था जिसमें आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना था। वेक्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वेक्टर को एक बार देख जाएं, अभी आपके पास समय है, जो कैंडिडेट 25 जुलाई को अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, और 25 जुलाई के बाद 26 है 27 है 28 है 29 30 जो भी कोई कैंडिडेट्स इन डेटों पर अपना एग्जाम देंगे, तो एक बार अवश्य इन टॉपिकों को रिवाइज कर जाएं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ए इनवर्स का आपको यहाँ पर डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, तो ए इनवर्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आपको ए यहाँ दिया गया होगा और ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आयोटा से संबंधित क्वेश्चन लगातार बन रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड में और थर्ड में भी पूछा गया है, और आने वाले जो शिफ्ट हैं उनमें भी पूछा जाएगा।
और गुणांक पूछा जा रहा है। इस तरीके से आपका एक द्विघात समीकरण दे देगा जिसमें आपको द्विघात गुणांक निकालने के लिए बोलेगा। इन्वर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है, साइन इन्वर्स साइन 3π/4, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। और एम इक्वल टू टेन थीटा, एन इक्वल टू सेक थीटा, और आपको फाइंड आउट करना था 1/m, और आपका एक कोष्टक में m+n+1/m+n, तो इस आपको इसका मान निकालना था। तो आपका इस बार जो मैथ का सिलेबस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे, इजी तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट टू हार्ड ही बोलेंगे। मानक विचलन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको एक बार अवश्य देख जाएं। एक्स इक्वल टू 480 स्क्वायर y इक्वल टू 280, और dy/dx आपको यहाँ पर एक समीकरण फाइंड आउट करना था। लॉग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं राग की बात करें जो थर्ड शिफ्ट की थी, और रीजनिंग जो पूछा गया था, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायग्राम से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, अल्फाबेटिकल से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जो फर्स्ट शिफ्ट थी एंड सेकंड शिफ्ट थी उसमें क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा था, और थर्ड शिफ्ट में आपका क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लॉक जो चैप्टर है उसको भी एक बार अवश्य देख जाएं, और जो डायरेक्शन है डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो डायरेक्शन का देख जाएं एक बार, और एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका पैटर्न है, और जो भी कोई कैंडिडेट्स आगे आने वाले समय में अपना एग्जाम देने जा रहा है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, साथ में सॉल्यूशन भी वहां पर डाल दूंगा। तो थैंक्स जैन, आपको इसी तरीके से जो नेक्स्ट डेट होंगी, जो नेक्स्ट शिफ्ट होंगी, तीनों शिफ्टों का एक साथ इसी तरीके से आपको मटेरियल मिल जाएगा। और जो भी कोई कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर आ रहा है तो यहाँ से व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, और इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो भी आपका रिमेम्बर क्वेश्चन है, एग्जाम जो आपने दिया है, अपना एग्जाम देने के दौरान जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको सेंड कर सकते हैं। 7505824522, ये व्हाट्सएप नंबर, इसको नोट डाउन करें। और जो कैंडिडेट्स आने वाले टाइम पर अपना एग्जाम देंगे उनके लिए कहीं ना कहीं अवश्य बेनिफिट होगा। थैंक्स जय हिंद।